ये देखिए, ये सुरसंड और सीतामढ़ी का मेन रोड है जिसे नेशनल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। और ये केंद्र सरकार का जो है प्रोजेक्ट वो बिहार में काफी स्लो चल रहा है और बिहार में बिहार है और ये नीतीश कुमार है। यहाँ देखिए ये लोग किस तरह से रास्ते से आ रहे हैं, जान जोखिम में डाल के रास्ते से आ रहे हैं। अगर पैर इधर उधर थोड़ा भी हुआ तो गिर के किसी का भी मृत्यु हो सकती है, है ना। ये देख रही है दलदली रास्ता है, दोनों तरफ पानी पानी है। और इस तरफ देखिए ये कंस्ट्रक्शन का है, ये NHAI का पुल निर्माण विभाग का बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए आप जहाँ तक देख रहे होंगे टेम्पू पानी में फंस चुका है। और ये देखिए कि आने का ये तरीका है, जान जोखिम में डाल के ना, दूर दूर तक पानी है यहाँ पे सारा। ये देखिए ये एक एम्बुलेंस फंसी हुई है, अब इस एम्बुलेंस को क्या कीजिएगा, ये अपनी मतलब इसमें बचे लोग अपने जान बचा पाएंगे या नहीं जान बचा पाएंगे, है ना। यहाँ तक एम्बुलेंस फंस चुकी है, लोगों का यातायात खराब हो चुका है और आम लोगों का बात ही छोड़ दीजिए, जब एम्बुलेंस इस रास्ते से जा नहीं सकती है तो बेकार है ना। सीतामढ़ी की प्रशासन इस पर ध्यान दे रहे हैं और ना यहाँ की जनता इस पर ध्यान दे रहे, जनता की भी कुछ भूल है क्योंकि जनता लोग हमेशा वोट दे के जिताते हैं लेकिन उनके उम्मीदवार कुछ किसी पैमाने पर खड़े नहीं उतरते हैं। आज ये दुर्दशा यहाँ के लोगों को देखने के पड़ रहा है और हम लोग भी हैं। देखिए कैसे ये गाड़ी पूरा डूबते हुए आ रही है, कोई ठीक नहीं है, कहीं पे भी बंद हो सकती है, लेकिन ये निकल गई है, काफ़ी बेकार है। अगर इस पर पुलिया रखे कि अगर रोड निर्माण कर दिया रहता तो लोगों का आवाजावन नहीं रुकता और जान माल का नुकसान नहीं होता। आज एम्बुलेंस में बैठे एक सवारी की देखिए क्या होने वाला दुर्दशा। और ये देखिए ये भाई साहब कैसे है, मतलब पूरा पावर लगा के गाड़ी को निकाल रहे हैं, है ना, भीग के। यही बात है, बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार जी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बातों का ही कानों तक पहुंच जाए तो इसे कुशासन व्यवस्था को कहीं मतलब सही करने का निर्माण करे। और ये जो पुलिया पुल का जो विभाग है ना, वो थोड़ा सा मतलब लोगों को जनहित में रखते हुए भी मतलब कार्य करें। फिलहाल क्या करेंगे, हमारे देश जितनी तरक्की की ओर जा रही है उतना ही हमारे देश में मतलब कृष्ण नाम की चीज बढ़ती जा रही है। कोई मतलब यहाँ पे रोक टोक नहीं है, कोई मतलब किसी तरह का कोई ये नहीं है, विभाग नहीं है यहाँ पे देखे समझे लोगों की मतलब दिक्कतों का सामना करे, है ना। इसे बोलते हैं लड़ो से डर कर नहीं पार नहीं होती, और पानी में बाइक चलाने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते अगले एपिसोड में एक नया अध्याय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।